गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज 10th January। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है हिमालयन ग्रिफिन वल्चर के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी नॉर्मली स्पेशी न्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछती है हिमालयन ग्रिफिन वल्चर्स। अभी हाल में ही न्यूज में थे बिकॉज कानपुर के कुछ लोकल्स ने हिमालयन ग्रिफिन वल्चर को एक ग्रेवयार्ड से रेस्क्यू किया है। हिमालयन ग्रिफिन वल्चर को हिमालयन वल्चर या फिर वन ऑफ द टू स्पीशी ऑफ ओल्ड वर्ल्ड वल्चर के नाम से भी जानते हैं। जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है, इनका अगर नेटिव प्लेस की बात किया जाए तो ये हिमालयन रीजन और तिब्बतन प्लेटो रीजन जैसे इंडिया, नेपाल, सेंट्रल चाइना और मंगोलिया के पार्ट में पाए जाते हैं। ओकेजनली ये माइग्रेट करते हैं नदर्न इंडिया में। अगर IUCN रेड लिस्ट की बात किया जाए तो जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है वो नियर थ्रेटेंड लिस्टेड है। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हिमालयन ग्रिफिन जो स्पेशी है वो नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है बिकॉज इट हेल्प इन कीपिंग द नेचर क्लीन, बिकॉज नेचर के नेचुरल गार्बेज कलेक्टर कहे जाते हैं और ये फर्दर ह्यूमन में जो डिसीज है उसको स्प्रेड होने से रोकते हैं। अगर इंडिया में बात किया जाए तो 9 स्पीशी ऑफ वल्चर इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया में वल्चर्स की जो पॉपुलेशन थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही थी। उस पर्टिकुलर वल्चर की कंजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान लॉन्च किया था इन 2006, मेनली विद द ऑब्जेक्टिव टू बैन द यूसेज ऑफ डिक्लोफेनाक ड्रग फॉर द वेटनरी पर्पेज। उस पर्टिकुलर प्लान को 2025 तक अब एक्सटेंड किया गया है और इसीलिए एक एक्शन प्लान है फॉर वल्चर कंजर्वेशन। अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमल यूज हो डिक्लोफेनाक ड्रग का, बिकॉज उसके कंजम्पशन से जो वल्चर पॉपुलेशन है उनकी डेथ हो रही थी। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वल्चर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है उसके साथ साथ एक एडिशनल ब्रीडिंग सेंटर्स भी खोले जाए सो दैट जो वल्चर की पॉपुलेशन है उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज हो सके। चलिए देखते हैं दूसरा आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में। अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। सपोज अगर आप किसी रिसर्च पेपर या फिर मैगजीन या फिर किसी ई पेपर को फॉलो करते हैं तो आप उसका सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेम रिसर्च पेपर सेम मैगजीन को किसी और को फॉलो करना होगा सो उन्हें भी सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। सो इसी मैनर में जो इंडिया में वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो जो इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, उनका सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट पे आते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगा पब्लिशर से एक प्राइस और एक फिक्स्ड केप्ड प्राइस में वो फी को पे करेंगे गवर्नमेंट और उसका जो एक्सेस है वो यूनिवर्सिटीज और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिया जाएगा उसका एक्सेस। ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में एक ओपन एक्सेस हो इंटरनेशनल जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, साइंटिफिक जर्नल्स एक्सेट्रा। इस पर्टिकुलर स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 17 जो जर्नल्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है। 1 अप्रैल 2023 से ये पर्टिकुलर जर्नल्स ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटीज को अवेलेबल होंगे। कुछ कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है कि जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो पहले यूनिवर्सिटीज बाय कर रही थी, अभी गवर्नमेंट बाय कर रहा है, बट कॉस्ट तो सेम है। सो इंस्टेड वेरियस यूनिवर्सिटीज शुड हैव शेयर्ड द प्राइस। दूसरा जो है, गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया है 17 जनरल्स को। नाउ ये जो 17 जनरल्स हैं, मे बी हो सकता है उनके अलावा कुछ और जनरल्स हों जो इम्पॉर्टेंट हों, या फिर किस बेसिस पे जनरल शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में। अभी हाल में ही ऑन 9th January टू मार्क प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया और यूके ने साइन किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये स्कीम जो है ये पार्ट है जब इंडिया ने और यूके ने माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया था 2021 में एज अ पार्ट ऑफ G20 बाली समिट। यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं जो 18 से 30 साल के बीच में है उनको 2 ईयर का वीजा दिया जाएगा इन ईच अदर कंट्री। इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ वन अनदर कंट्री। इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसमें एक्सचेंज वीजा दिया जाएगा अप टू 3,000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से अबाउट 3,000 इंडिविजुअल्स को यूके का वीजा मिलता है तो इन एक्सचेंज आप यूके की 3,000 जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें इंडिया का वीजा दोगे। इस पर्टिकुलर जो स्कीम का बेनिफिट है वो जो डिप्लोमा है जो ग्रेजुएट इंडिविजुअल्स हैं वही ले पाएंगे।
अगर इस स्कीम की बात किया जाए तो इट विल फर्दर स्ट्रेंथन जो मोबिलिटी और माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और यूके ने. कुछ कंसर्न है. सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स मैच कर पाएंगे. तो किस बेसिस में इंडिविजुअल्स को चूज किया जाएगा? वेल, वेदर देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ लॉटरी सिस्टम और एनीथिंग एल्स. दूसरा कंसर्न है वो ये है कि जो लार्जेस्ट टेक कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी. बहुत ज्यादा लिमिटेड स्पेस है. सो आज के लिए इतना ही. कल मिलेंगे इसी टाइम पे. थैंक यू सो मच. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल.